नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। अरे साहब, चाबी क्यों ले गए साहब? चाबी ओ साहब, चाबी लेने का तो अथॉरिटी नहीं आपको। जागरूक ड्राइवर के इस सवाल से भड़क उठा कर्मी और वीडियो बनता देख बिलबिला उठा। वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? कैसे? हाँ, कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। चाबी लेने का अधिकार नहीं है सर आपका? इसको नहीं है। आपको देखा आपने किस तरह से छीना झपटी पे उताराया कर्मी। ड्राइवर ने बताया कि नो एंट्री के नाम पर यहाँ पर 500 रुपए प्रति गाड़ी मांगी गई। मना करने पर चाबी निकाल कर ले गई ये कर्मी। हाजी अली मुंबई की ये घटना है 4 मार्च की। गाड़ी बढ़ाओ बाबू जी, पता क्या दिक्कत है? सर्दी की बात है, पैसे नहीं लेते। मैं किसी और से डलवा देता हूँ। सर्दी डलवाने पड़े किसी और करना पड़ेगा। नहीं है पैसे, हम नहीं लेंगे। अब बैठना, बात मत करना। सर्दी मान लीजिए इतनी दूंगा क्या? सर्दी आपके पास नहीं है पैसे, तो बंद करो बाबू। ने आपकी एक छोटी सी गलती बड़ा भुगतान करवा सकती है, आरटीओ साहब का दाम बढ़ा सकती है। जी हाँ, शामली उत्तर प्रदेश की ये घटना है। यहाँ ड्राइवर की गाड़ी का परमिट खत्म था, लेकिन साहब ने लोडेड गाड़ी जब्त करने की बात की और ऐसा ना करने के एवज में भारी भरकम रिश्वत मांग डाली। ड्राइवर के मुताबिक आखिरकार डील 18,000 रुपए में डन हुई। उसके बाद ड्राइवर को वहाँ से ऐसे ही जाने दिया गया। क्या प्रशासन चादर ताने सो रहा है? उन्हें ये भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा क्या? आम ड्राइवर की गाड़ियों के तुरंत चालान हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े सेठों की गाड़ियां यूं ही चली जाती हैं, उनका कोई चालान नहीं करता। ऐसे बहुत से सवाल उठाए हैं ड्राइवर ने रोड पर चलती इस गाड़ी को देखकर। इस गाड़ी को जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ड्राइवर ने इसे ओवरहाइट बताया। ड्राइवर का ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ये गाड़ी देख ली थी पर उसे रोका नहीं। इसके बाद ड्राइवर ने ये कहा कि सेठों द्वारा इनकी जेबें भर दी जाती हैं, इसलिए इन गाड़ियों को ऐसे ही जाने दिया जाता है। क्या ये भेदभाव सही है? कानून सबके लिए बराबर है तो ऐसा क्यों किया जाता है? लिबासपुर दिल्ली की ये घटना बताई जा रही है। रोड पर हादसे की वजह कैसे बन जाते हैं कर्मी, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी हमें कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के चैट सेक्शन में जाकर आप हमें वीडियो सेंड कर सकते हैं। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। जगसीर सिंह है संगरूर पंजाब से। पंजाब से जयपुर जा रहे थे। इनका कहना है कि पंजाब से राजस्थान में एंटर होते ही राजगढ़ पर पड़ते टोल पर टोल कर्मियों द्वारा वसूली की जाती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। टोल कर्मियों ने 50-100 रुपए के लिए लगभग 10 किलोमीटर तक इनका पीछा किया। ड्राइवर का कहना है कि ऐसी ही हरकतों की वजह से रोड पर हादसे हो जाते हैं। ड्राइवर की मदद हमारा कर्तव्य है, इंसान की सेवा ही परम धर्म है। भास्कर चंद्र साहू हैं ओडिशा ड्राइवर महासंघ यूनियन के मेंबर, जिन्होंने ओडिशा का ये वीडियो बनाकर भेजा। दरअसल यहाँ पर यूपी के ड्राइवर की गाड़ी खराब हो गई थी, जिन्हें रुकना पड़ा, लेकिन इस महासंघ के मेंबर जो पेशे से ड्राइवर हैं, इन्होंने उस ड्राइवर को खाने पीने के लिए दिया, परेशानी में उनकी गाड़ी भी ठीक करवाई, हर तरह का इंतजाम वहां पर करवाया गया। यहां पर इंसानियत की एक मिसाल पेश की गई है, वाकई में इस सोच को सलाम। क्या कर्मी अब ऐसे टारगेट पूरा करेंगे? ये वीडियो हमें भेजी है प्रहलाद सिंह यादव ने, जिन्होंने ये सवाल उठाया है। ये घटना है सागरपाड़ा धौलपुर राजस्थान की, जहां पर आरटीओ कर्मियों ने जैसे ड्राइवरों को लूटने की सौगंध खा रखी है। खुद ड्राइवर प्रहलाद से यहां पर 1500 रुपए की वसूली की गई। ड्राइवर का कहना है कि ना देने पर गाड़ी साइड में लगवा दी जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि गाड़ियां लाइन से रोकी गई हैं, एक लंबी कतार लगी हुई है। क्या सरकार आंखें मूंदे रहेगी? क्या इनके टारगेट के चक्कर में ड्राइवर इसी तरह प्रताड़ित होता रहेगा? हम कहां जाएंगे गरीब आदमी?
हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनने वाला है कोई हमारे गरीबों की, हमारे को मैल पड़ी हुई है, जैसे ऐसे कैदी भी नहीं होते जैसे हमारा हमारे साथ हो रहा है। 15-15 दिन से मुंह धोने का भी टाइम नहीं है, ना पानी है ना बाथरूम है ना कुछ। ये घटना काजीगुंड जम्मू कश्मीर की है। वीडियो के अनुसार 20-20 दिनों से ड्राइवर यहां फंसे हुए हैं। ये वीडियो 5 मार्च को चंदन प्रसाद के व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी, जिन्होंने ये वीडियो हमें भेजी है, जिसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि यहां लोकल गाड़ियों को छोड़कर बाहर की गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है, कोई सुविधा नहीं है, कैदी से भी बदतर यहाँ पर उनके हालात हो गए हैं। ड्राइवर का आरोप है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। टायर अलग कमानी अलग ट्रक हुआ पुर्जा पुर्जा, जिसकी वजह ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। बोरसद गुजरात की यह घटना है, जिसका वीडियो बनाया गणेश ने, जो कि नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी पुणे से सनत जा रही थी। हादसे के बाद नुकसान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे तो अनहोनी किसी भी रूप में कभी भी आ सकती है, लेकिन वाहन की नियमित जाँच से कुछ हद तक बचाव हो सकता है। सुंदर सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि उनके एक जानकार की गाड़ी RJ32GC1673, जिसका भिलवाड़ा RTO के द्वारा गलती से चालान कर दिया गया है, जबकि चालान बनता था RJ32GC0673 गाड़ी के नंबर का। चालान में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर 1673 नंबर के गाड़ी मालिक को पता चला कि 0673 नंबर गाड़ी वाले ने कैश में अपनी गाड़ी का चालान भर दिया था। इतनी बड़ी गलती कहें या लापरवाही कहें या कुछ और जो RTO कर्मियों ने कर दी, इस गलती का खामियाजा खामखा 1673 नंबर गाड़ी वाले को करना पड़ रहा है, क्योंकि RTO ऑफिसेस के अब उसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। एक ऐसा ब्रिज जिस पर चढ़ने से पहले अगर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखें तो लगता है कि उसका रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा है। जी हाँ, एक ऐसा फ्लाईओवर जिस पर चढ़ते हुए प्रकृति का सौंदर्य आपका मन मोह लेगा, वो भी समुद्र के बीचों बीच बना है ये ब्रिज। जापान में स्थित है, जिसे एशिमा ओहासी का नाम दिया गया है, जिसकी सीधी चढ़ाई की वजह से ये ब्रिज काफी लोकप्रिय है। इसे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। इसे लोग रोलर कोस्टर भी कहते हैं। आप देख रहे थे GT Road 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।